पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देश की जनता ने मैंडेट नहीं दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया तो 65-70 सीट कम आए उनके नाम पर। ठीक है, नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। एनडीए केंद्र में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है, जिसको लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। विपक्षों की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो वहीं पूर्णिया से नव निर्वाचित सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। एनडीए सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो एनडीए सरकार बनने जा रही है वो एक साल में एनडीए सरकार समाप्त हो जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है वो गांधी विचार के लोग है, यह सरकार एक साल से ज्यादा नहीं टिकेगी। जहां एक ओर एनडीए सरकार को लेकर भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे पप्पू यादव, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ आग्रह करते हुए नजर आ रहे पप्पू यादव, पहले आप यह पूरा बयान सुने। देश की जनता ने मैंडेट नहीं दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया तो 65-70 सीट कम आए उनके नाम पर। ठीक है, तो मैंडेट नहीं दिया, 400 पार की बातें तो छोड़िए, अपनी सरकार भी बना नहीं पाए। और मुझे लगता है कि ये चुनाव या सरकार साल भर से ज़्यादा नहीं चलेगी, बहुत ज़्यादा मेरी जो समझ है, क्योंकि जो ये लोग गांधीयन थॉट के दोनों लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू भी और नीतीश जी, और नीतीश जी कितने दिन चलेंगे, 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा, नीतीश जी ने भी ये बात कही, और हम कल से ही 2024 के विधानसभा के चुनाव में लग 25 में नहीं होगा, 24 में होगा, 24 नवंबर में चुनाव, देख लीजिए, नीतीश जी ने भी ये बात कही कि चुनाव में नवंबर में ही करवाऊंगा, उनका ऐसा मानना है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी नवंबर में चुनाव करवाना चाहेंगे फिर से, इसको चूकेंगे नहीं, वो उनको लगेगा अभी जो हमारी सीट मिली है इसमें मैं विधानसभा का डुबकी लगा लूँ, तो तब तक तो ये गठबंधन है। चंद्रबाबू नायडू जी को जब लगेगा कि साउथ में मोदी जी का असर गलत हो रहा है तो नायडू जी भी भागेंगे, जैसे बीजू जनता दल का कई बार बीजू जनता दल के नेता ने मोदी जी को सपोर्ट किया हर मुद्दे पर, और अंत क्या हुआ, बीजेपी ने नाश कर दिया, तो बीजेपी नहीं छोड़ती है। तो इसलिए मैं दूसरा और अंतिम बार नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि आप देश के पीएम हैं, आप नीतिगत बात और रोजगार पर बात करिए तो ज़्यादा अच्छा है, गरीबों की बात करिए, गरीबी खत्म करने की बात करिए, हाथ जोड़ के हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ दी। और उम्मीद अपेक्षा रखता हूँ नीतीश जी चंद्रबाबू नायडू से कि एनडीए की सरकार में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कुछ आग्रह करते हुए नजर आ रहे थे पप्पू यादव, सुना आपने, उन्होंने कहा कि आप गरीबी पर बात करें, गरीबी कैसे समाप्त करना है इस पर बात करें, रोजगार कैसे देना है उस पर बात करें, बेरोजगारी कैसे समाप्त करनी है इस पर बात करें, हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ दे, बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे थे पप्पू यादव। तो वही दूसरी ओर एनडीए सरकार को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की और कहा कि ये जो सरकार बनने जा रही है यह सरकार एक साल भी नहीं टिकेगी। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे पप्पू यादव, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।